हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, आज ये सीखेंगे। जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, इसके लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता, लेकिन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी वीडियो देख रहे होंगे जिनको फैक्टोरियल नहीं पता। तो थोड़ा सा फैक्टोरियल रिवाइज करवाते हैं, फिर इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। चलिए फैक्टोरियल समझते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल इस तरह से लिखते हैं। पहले तो ये कॉलन साइन लगा के 5 फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखते हैं या फिर इस तरह से भी। अब इसका मतलब समझते हैं। पहले तो इसकी नोटेशन देखें ना, 5 फैक्टोरियल बोल रहे हैं, लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, दोनों में से किसी भी तरह से। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि जिसका फैक्टोरियल है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 1 तक मल्टीप्लाई करना डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी इंटेग्रल वैल्यूज को, तो उसे फैक्टोरियल बोलते हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास 3 फैक्टोरियल हो तो मैं क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, अब ये हमें समझ आया कि फैक्टोरियल होता क्या है। अब इसी तरह से ना, जैसे 2 फैक्टोरियल लिखोगे तो वो 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 1 ही रह जाता है। इसलिए कंफ्यूजन होती है कि 1 के बाद बारी आती है 0 की। अब 0 फैक्टोरियल को भी 1 बोल देते हैं, तो यहां सवाल आता है क्यों, ये क्यों है, क्वेश्चन समझ आया। तो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों है, आज हम वो समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, अब आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जिनको फैक्टोरियल नहीं पता था अब उनको भी पता चल गया। तो अब देखिए, इसमें एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है मैं इसको एन के टर्म्स में एक बार लिखना सिखाऊंगा। एन के टर्म्स में मतलब, क्योंकि हमने क्या देखा कि जैसे 5 फैक्टोरियल था तो 5 से लेकर 1 तक जाना है और मल्टीप्लाई करना है। अगर मेरे पास जनरल वैल्यू हो एन फैक्टोरियल तो क्या करना है, एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब उससे एक कम, इससे और एक कम करेंगे तो एन माइनस 2, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाए तो लास्ट में क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमें जाना तो 1 तक ही है ना। तो n फैक्टोरियल को n से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन नहीं भूलना, हमारा क्वेश्चन है 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो वहां पर आएंगे अभी। लेकिन एक चीज और समझते हैं, जैसे मैंने अभी 5 फैक्टोरियल आपको लिखना सिखाया था, क्या होता है 5 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो मैं एक काम नहीं कर सकता, यहां पर देखो 5 फैक्टोरियल को 5 टाइम्स, ये 4 से लेकर 1 देखो क्या है, 4 से लेकर 1 तक 4 फैक्टोरियल है, तो मैं 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, एक ही बात है। आप पहले तो ये भी समझिए कि किसी भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मेरे लिए इजी हो जाएगा, अब 10 फैक्टोरियल को लिखना है ना, मैं इसको 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, जहां रुक जाओ रोक दो वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, 8 से 1 तक नहीं लिखना तो 8 फैक्टोरियल लिख दिया। इसी तरह से अगर आपको 7 फैक्टोरियल है तो आप 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। मैं इंटीजर्स में इसलिए बात कर रहा हूं, समझ जल्दी आता है। अभी मैं वहां पर वापस आ रहा हूं ऊपर, जहां हमने n की फॉर्म में लिखा है। अब n की फॉर्म में देखो, मैं इसी को अगर लिखना चाहूं तो क्या मैं n फैक्टोरियल को ये लिख सकता हूं ना, n मल्टीप्लाई, अब ये सारा देख लो, इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूं n माइनस 1 फैक्टोरियल, चेक करिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए वो सिखाया था। अब यहां से दोनों तरफ n से डिवाइड कर दें, ये n मैं उठा के यहां ले आऊं, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला बन गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n।
इसी में ही हमारा रिजल्ट छिपा है जी, इसी में हमारा रिजल्ट छिपा है। कैसे रिजल्ट छिपा है, मैं पहले इसको इसको इस तरफ लिख लेता हूं कि जी n माइनस वन फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, n फैक्टोरियल ओवर n है। अब आप n पुट करके देख सकते हो, n पुट करके देखोगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। कैसे ठीक आएगा, मान लो आप n को 5 पुट करते हो, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट यहां पर लिख के पुट n इक्वल टू 5, इसी में पुट करिए, इसी में n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। राइट साइड में क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5। ठीक है, मैंने इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 5 पुट की। अब 5 माइनस 1 तो 4 होता है, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करके। प्रूव कर सकते हो, चेक कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, एक नीचे 5 है, कट गया ना, 5 से 5 कट गया, तो देखो लेफ्ट राइट दोनों तरफ 4 फैक्टोरियल है, फॉर्मूला मेरा वेरीफाई भी हो गया। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज करने पे आऊं, आप n को मैंने 5 पुट किया था ना, n को 5 पुट किया था, आप n को 2 पुट करिए, n को 2 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2 माइनस 1, टू पुट किया ना, तो n की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2, ये मेरा बन गया 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल होता है 2 मल्टीप्लाई 1, नीचे पहले 2 है, तो देखो जी 1 फैक्टोरियल को तो हमने 1 बना दिया। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं ताकि एंड तक आप सही से पहुंच जाएं। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, वो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी। अब मैं आगे जाऊंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा 0 फैक्टोरियल पे पहुंचने के लिए। क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n को 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड देखो 1 माइनस 1 0 बनेगा, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इधर n 1 भरेंगे तो 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या है, नीचे भी 1 है, बना क्या नहीं, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। लो जी ये बन गया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, नीचे भी 1, तो इसका मतलब 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। अब 0 फैक्टोरियल 1 हमने प्रूव कर दिया है, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, सिंपल वही कंसेप्ट से। इसलिए अब सभी याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यूजली ये प्लस 1 में ये टॉपिक आता है, और उसमें बुक में ये प्रूव नहीं किया हुआ, और इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है, उसमें सीधा लिखा हुआ कि नॉट वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, लेकिन इस तरीके से इसका प्रूफ किया जा सकता है। आई होप आपको ये प्रूफ और फैक्टोरियल का कंसेप्ट सब अच्छे से समझ आ गया है, और अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।